अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूके स्टूडेंट वीज़ा के बारे में तमाम तर डिटेल्स के, इसके बारे में कंप्लीट गाइड, जो जो मुझे पता है आई विल लेट यू नो अबाउट दैट। तो सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जब आपने अपना माइंड बना लिया कि आपने आना है, तो आप अपना कोर्स सेलेक्ट करें और उससे रिलेटेड अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके अलावा जो है कि यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट, जो मुख्तलिफ होती है आइल्स, टॉफल या पीसन, ठीक है। तो आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें जब आपके रिक्वायर्ड बैंड्स आ गए हैं या जो भी, तो उसके बाद आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें 5 से 6, और कोशिश करें कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और कम फीस वाली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। जब आप अप्लाई कर देते हैं और यूनिवर्सिटी ने आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपको एक ऑफ़र लेटर आता है, अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर। कई दफ़ा कंडीशन लग के आता है कि हमें कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है, लेकिन मोस्टली अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आपको आता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका एक इंटरव्यू होता है, और ये एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसमें सिंपली आपने ये लिखना होता है कि आपके आने का मकसद क्या है और आपकी एजुकेशन कहाँ तक आपने अब तक की हुई है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में। तो बैंक स्टेटमेंट में ये है कि आपकी अकाउंट में आपके पास आपकी फ़ी होनी चाहिए टोटल, और आपका एक मंथ का ख़र्चा, मतलब 9 महीने के लिए आपका जो ख़र्चा है वो होना चाहिए इसमें, ठीक है। और अगर आप लंदन आ रहे हैं, तो उसके लिए आपका 1300 तकरीबन पर मंथ के लिहाज से होना चाहिए, और अगर उससे बाहर हैं तो 1000 समथिंग आपका ख़र्चा जो है 9 मंथ्स के लिहाज से होना चाहिए। और ये आपकी जो स्टेटमेंट है 28 डेज़ पुरानी होनी चाहिए। अगर इसे ज़्यादा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसे कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद टीबी टेस्ट जो है ये रिक्वायर है, ये आप 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, तो आप इसको अर्ली भी करा सकते हैं। उसके बाद ये जो है ये एक टाइप इस तरह का अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आता है आपको, तो आई जस्ट वांट टू शेयर दिस वन। उसके बाद आपका एक और इंटरव्यू होता है, जिसको कहते हैं प्री कास्ट इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में दे चेक कि आप जेन्युइन हैं, और आप मतलब ओवरऑल कि आप क्यों आना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, दे जस्ट चेक कि आप जेन्युइन पर्सन हैं या नहीं। जब आपका ये अप्रूव हो जाता है, तो यू गेट द कास्ट लेटर। तो ये कास्ट लेटर कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर है। उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने यूके वीआई की वेबसाइट पर जाना है, और उसमें आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। इसकी फ़ी होती है, जब आप अपनी फ़ी जमा करा देते हैं, तो उसके बाद ये आपको डायरेक्ट कर देती है IHS की वेबसाइट पे। ये हेल्थ इंश्योरेंस की वेबसाइट है, जिस पे आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी होती है। उसके बाद ये डायरेक्ट कर देती है आपको VFS की वेबसाइट पे। VFS बेसिकली एक कोरियर सर्विस है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स को भेजता है आगे, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हों एंड दे कैन डिसाइड कि आपको वीज़ा ग्रांट करना है या नहीं। Within 15 days you will get back your passport, और आपको पता चल जाता है कि आपको वीज़ा दिया गया है या नहीं दिया गया। So this is the simple process for applying.